ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीश नेहरा आप सबका VPC प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। GNU मोस्ट वेलकम, खुशामदीद, सत श्री अकाल और आप सबका हार्दिक इस्तकबाल। दोस्तों हरियाणा सामान्य GK हमने स्टार्ट कर रखी है और हरियाणा सामान्य परिचय के दो भाग अपलोड किए जा चुके हैं। हरियाणा सामान्य परिचय के तीसरे भाग को लेकर मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। पिछली वीडियो यानी कि भाग दो के अंदर हमने चर्चा की थी हरियाणा के जिले कैसे बने, प्रत्येक जिले की तारीख को कैसे याद किया जा सकता है, परीक्षाओं में जिलों से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे तमाम पहलुओं के ऊपर मैंने चर्चा की थी और आपको कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज समझाया था पार्ट टू के अंदर। अब पार्ट थ्री के अंदर हमने चर्चा करनी है, जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा जो सरकार थी, राज्य सरकार कह लीजिए या हरियाणा के तत्व कह लीजिए, वो कौन कौन से थे? आप सब जानते हो कोई भी सरकार है, सरकार के तीन अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर सरकार बनती है। तो हरियाणा के हिस्से में क्या क्या आया था, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनाया गया था, राज्यपाल किसे बनाया गया था और हरियाणा का कोर्ट कौन सा था और हरियाणा का विधानमंडल कैसा था, इन तमाम पहलुओं पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं जो हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं के अंदर, चाहे SSC हो, HSSC हो, रेलवे हो, UPSC तक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी राज्य के गठन के लिए आवश्यक तत्व तो कौन कौन से हैं। कोई भी राज्य है, किसी भी राज्य का निर्माण चार तत्वों से होता है। उस राज्य के अंदर जनसंख्या होनी चाहिए, उस राज्य की अपनी जमीन होनी चाहिए, उस राज्य का एरिया होना चाहिए, कह लीजिए क्षेत्रफल होना चाहिए, उस राज्य की अपनी सरकार होनी चाहिए और चौथा इम्पोर्टेंट तत्व ये है कि राज्य सरकार और जनता के पास निर्णय लेने की आज़ादी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं संप्रभुता। तो सबसे पहले जानते हैं किसी भी राज्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन सी है। हरियाणा का जब गठन किया गया तो कौन सी चार चीज़ें थी जिसके दम पर हरियाणा बनाया गया? तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जानते हैं राज्य के चार तत्व होते हैं। किसी भी राज्य का निर्माण करने के लिए चार चीजों का होना जरूरी है, चार चीजों से मिलकर ही राज्य बनता है, चार तत्व। वो कौन कौन से हैं राज्य के चार प्रमुख तत्व कह लीजिए? सबसे पहले राज्य का एरिया होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्षेत्रफल की। किसी भी राज्य का अपना क्षेत्रफल होना चाहिए यानी कि भूभाग होना चाहिए। दूसरा, उस राज्य के अंदर क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए यानी कि जनता कह लीजिए। तीसरा, उस राज्य के अंदर क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी राज्य का आपसे पूछेगा सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। SSC, UPSC, रेलवे, सभी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है राज्य का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा होता है। तो लिख रहा हूं मैं संप्रभुता। तो देखिए चार तत्वों से मिलकर राज्य बनता है, यानी कि हरियाणा का निर्माण करने के लिए इन चार चीजों का होना जरूरी था उस समय, कह लीजिए क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। इन चार चीजों से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। तो राज्य के कितने तत्व होते हैं, चार। अब एक बात देखिए, जो संप्रभुता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता। संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की आजादी, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने की आजादी। कोई भी राज्य है उसकी जनता और सरकार के पास निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, एक राज्य बोलेंगे। तो देखिए निर्णय कौन से हो सकते हैं, दो तरह के निर्णय होते हैं, एक होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। ये दोनों प्रकार के डिसीजन लेने की जिसके पास आजादी होती है उस चीज को हम बोलते हैं संप्रभुता। तो राज्य के अंदर चार तत्व होने चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, राज्य का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है, ये चार ऑप्शन में आ गए, पूछ रहा है आपसे इन चारों में सबसे प्रमुख कौन सा है,
संप्रभुता। अगर सरकार के पास, जनता के पास निर्णय लेने की आजादी ना हो तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, राज्य का सर्वप्रमुख, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, सर्वप्रमुख, सर्वप्रमुख सबसे इंपॉर्टेंट तत्व कौन सा है? हम बोलेंगे संप्रभुता, डिसीजन लेने की आजादी, सोवरनिटी कह लीजिए। तो चार चीजों से मिलकर राज्य बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? संप्रभुता होनी चाहिए, निर्णय लेने की आजादी होनी चाहिए। अब आज देखिए हमारी हरियाणा सरकार के पास निर्णय लेने की आजादी है, ठीक है, सरकार, राज्य सरकार अपने अनुसार कानून बनाती है, काम करती है, किसी दूसरे राज्य का या केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। हमारे संविधान में अलग से 7वीं अनुसूची के अंदर एक राज्य सूची दे रखी है, राज्य सूची के विषयों पर सरकार डिसीजन लेती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता। जनता के पास भी है, जैसे अब आप पंचायत का चुनाव करोगे, हरियाणा के अंदर पंचायत के चुनाव होने हैं फ्यूचर के अंदर, तो जो हम चुनाव करते हैं किसी का, वो भी हमारा क्या होता है? एक डिसीजन होता है, हमारा क्या होता है? निर्णय होता है। इस बात को हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता। चार चीजों से मिलकर क्या बनता है? कोई राज्य बनता है। अब देखिए जब हरियाणा का गठन किया गया तो उसके चार तत्व जो थे ये, यानी कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इन तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा की जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो देखिए राज्य के तत्व, मैं इस चीज को ऐसे समझाता हूं ताकि आपको समझ भी आए। सबसे पहले क्षेत्रफल, देखिए चार तत्व मैंने अभी बताए। जब हरियाणा अलग किया गया पंजाब से, तो पंजाब का लगभग 35% भाग हरियाणा को, हरियाणा के हिस्से आया था। और हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया जा चुका है। और ये क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 1.34% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। फिर बात करूं जो हरियाणा है, हरियाणा 22 जिलों में बंटा हुआ है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जिला हम चर्चा कर चुके हैं, सिरसा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में, फरीदाबाद। तो ये हो गया क्षेत्रफल। फिर हम बात करते हैं किसकी? जनसंख्या की। अब देखिए अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, हमारे पास सिर्फ 2011 की जो जनगणना उसके आंकड़े हैं, 2021 के अभी तक जनगणना नहीं हुई, तो फिलहाल 2011 के आंकड़े ही आपको बताए जाएंगे। जनसंख्या की अगर बात करूं, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है 2,53,51,462, सिर्फ 2011, क्योंकि 2021 के हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, इसलिए मैं 11 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा आपको। फिर अगर बात करूं ये जो जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.09% है। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.09% है। फिर बात करूं जिलों की, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो है फरीदाबाद, ये सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के अनुसार। और सबसे छोटा जिला 2011 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, सबसे छोटा जिला पंचकूला 2011 के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्तमान में पंचकूला नहीं है, वर्तमान में अब आंकड़े आएंगे जब चरखी दादरी ही होगा, ठीक है। तो ये था जनसंख्या के बारे में, क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या होगी। अब दो तत्व बाकी हैं, एक तो सरकार और एक है संप्रभुता। हम यहां सिर्फ सरकार ही करेंगे, संप्रभुता तो बता दिया मैंने,
निर्णय लेने की आजादी को हम क्या बोलते हैं? संप्रभुता। जो किसी राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। अब बात करते हैं सरकार की। जब हरियाणा का गठन किया गया तो हरियाणा की सरकार कैसे बनी थी, सरकार के कितने अंग होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए, कोई भी सरकार है, खासकर मैं अभी यहाँ पर बात किसके कर रहा हूँ, हरियाणा राज्य की बात कर रहा हूँ, यानी कि राज्य सरकार। कोई भी सरकार है, खासकर राज्य सरकार कह लीजिए, सरकार के तीन अंग होते हैं। देखिए, एक होता है विधानमंडल, विधान पालिका लिख देता हूँ मैं, विधान पालिका। सरकार के तीन अंग होते हैं, एक होता है विधान पालिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। आप देखो, पालिका का अर्थ होता है संस्था। पालिका का अर्थ क्या होता है? संस्था कह लीजिए, निकाय कह लीजिए। और विधान का अर्थ यहां पर क्या है? कानून। और पालिका क्या होती है? संस्था होती है। पालिका का अर्थ क्या होता है? संस्था। तो इसका विधान पालिका का अर्थ क्या हुआ? कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था को हम क्या बोलते हैं? विधान पालिका। और राज्यों के अंदर जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, उस विधान पालिका को हम क्या बोल देते हैं? विधान मंडल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? विधान मंडल। इसका कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना। विधान पालिका कानून बनाती है, जिसको हम विधान मंडल भी कह देते हैं। अब उस कानून को लागू कौन करती है? ये कार्य करेगी, एक्शन ये लेगी। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है? कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है, इसका कार्य क्या होता है? लोगों को न्याय देना और ये देखना कि कानून जो है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए। यानी कि न्यायपालिका क्या करती है? संविधान, सॉरी, कानून की समीक्षा करती है। न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है। समीक्षा करना। अब देखिए, सरकार के तीन अंग बताए मैंने। विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है उस कानून को, और न्यायपालिका कानून की समीक्षा करती है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके ऊपर एक जैसा कानून लागू होना चाहिए, और कानून जो है संविधान के अनुसार बनना चाहिए। ये कौन देखती है? न्यायपालिका। तो अब देखिए, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा का जो विधानमंडल है, जिसका काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। हरियाणा का विधानमंडल दो अंगों से मिलकर बना है। हरियाणा के विधानमंडल में एक तो है विधानसभा, जो चंडीगढ़ में है, और एक है राज्यपाल। अब देखिए क्या होता है। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं। विधानसभा विधेयक को पास करती है, और जब विधेयक विधानसभा पास कर दे, राज्यपाल हस्ताक्षर करता है, और राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही कानून बन जाता है। क्योंकि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य में कानून किसके नाम से बनते हैं? राज्यपाल के नाम से बनते हैं। तो एक है विधानसभा, एक है राज्यपाल। तो क्वेश्चन बन जाता है, हरियाणा का जो विधानमंडल है, इसमें कितने सदन है? सिर्फ एक सदन है, एक हाउस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विधानसभा। हरियाणा का विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय है। देखो, विस्तार से तो हम बाद में पढ़ेंगे कि विधानसभा कौन से अनुच्छेद में है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, मिनिमम सीटें कितनी हो सकती है, वो बाद में पढ़ेंगे। विधेयकों के बारे में चर्चा करेंगे, राज्यपाल के बारे में भी डिटेल से बाद में पढ़ा जाएगा। यह थोड़ी सी बेसिक बातें बता रहा हूँ। अब राज्य की जो कार्यपालिका है, हरियाणा की जो कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन आता है?
इसमें एक तो आता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल के नाम से क्या बनते हैं? कानून बनते हैं। दूसरा, राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, देखिए राज्य की जो कार्यपालिका उसमें कौन कौन आता है? एक तो राज्यपाल आता है, एक आता है मुख्यमंत्री, और तीसरा आता है इसमें कौन? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल जिसे कहा जाता है महाधिवक्ता कह लीजिए, ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? राज्य की कार्यपालिका बनती है। और बात करें हरियाणा की न्यायपालिका की, न्यायपालिका में क्या आता है? हाई कोर्ट। राज्य का क्या होता है? एक उच्च न्यायालय होता है। और हरियाणा का उच्च न्यायालय कौन सा है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ में स्थित है। और ये तीन उसका है, तीनों का संयुक्त है कह लीजिए, पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों का एक ही हाई कोर्ट। और वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। और हरियाणा के जिलों के अंदर क्या है साथ में? जिला अदालत। जिला अदालत। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा जो सरकार है उसकी रूपरेखा आपके सामने आ चुकी है। हरियाणा में कानून जो बनाता है वो विधानमंडल बनाता है, जिसमें विधानसभा और राज्यपाल हैं। हरियाणा की कार्यपालिका जो एक्शन लेते हैं उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता आते हैं। और न्यायपालिका में क्या आता है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ और जिला अदालत। इनसे मिलकर क्या बनी है? हरियाणा सरकार बनी है कह लीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के हिस्से कितनी विधानसभा सीटें आई थी? कितने एमएलए हरियाणा को दिए गए थे? हरियाणा का राज्यपाल कौन बना? मुख्यमंत्री कौन बना? महाधिवक्ता, पहला महाधिवक्ता कौन बना कह लीजिए। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, इसका पहला मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? विधानमंडल की। बेसिक बातें बताऊंगा आपको, और उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले विधानसभा के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। पढ़ते हैं सबसे पहले, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, पहली विधानसभा में कितने विधायक थे, विधायक दल का नेता किसे बनाया गया था। ऐसे तमाम पहलुओं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। और जहां पर आपको डाउट होगा वो डाउट मैं क्लेरिफाई साथ में करता जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और किताबों में बहुत सारी चीज़ें डाउटफुल हैं, क्योंकि हरियाणा को लेकर एनसीईआरटी वगैरह कोई बुक नहीं है, इसलिए हमें प्राइवेट किताबों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो चर्चा करते हैं विधानसभा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? हरियाणा विधानसभा की। जब हरियाणा का गठन किया गया, पंजाब से अलग किया गया, 1 नवंबर 1966 यानी कि गठन के समय, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हरियाणा की जो विधानसभा है वो कहाँ पर है, हरियाणा का विधानसभा भवन कहाँ पर है, पहले वो बात करते हैं। हरियाणा की जो विधानसभा है, हरियाणा की विधानसभा वो कहाँ पर बैठती है? चंडीगढ़ के अंदर। और विधानसभा का क्या है? एक भवन है जिसमें विधानसभा बैठती है, विधानसभा के सदस्य बैठते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है विधानसभा का जो भवन है उसको डिजाइन किसने किया था? देखिए एक बंदा था जो स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ और बाद में नागरिकता किसकी लेता है? फ्रांस की लेता है। और नाम था उनका लिली कार्बुजियर, ली कार्बुजिये भी जिसे कहा जाता है। फ्रांस की नागरिकता उन्होंने ले ली थी।
उन्होंने पूरी चंडीगढ़ को भी डिजाइन किया था। चंडीगढ़ का डिजाइनर भी कौन है? ली कार्बूजिए। तो विधानसभा, हरियाणा विधानसभा का जो भवन है इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था ली कार्बूजी। ली कार्बूजी, ली कार्बूजी ने इसको डिजाइन किया था। और जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांस के नागरिक थे। वैसे स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे लेकिन नागरिकता किसकी ले ली थी इन्होंने? फ्रांस की, तो फ्रांस ही बोला जाएगा। और एक और क्वेश्चन बनता है, देखिए फ्रांस के नागरिक थे इसलिए विधानसभा का जो गेट है वो गिफ्ट किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है, हरियाणा विधानसभा का जो गेट है वो किस देश की सरकार ने गिफ्ट किया था, उपहार में दिया था? तो जवाब क्या होगा? फ्रांस, फ्रांस की सरकार ने विधानसभा का गेट उपहार में दिया, क्योंकि ली कार्बूजिए कहाँ के थे? फ्रांस के थे। अच्छा, एक और फैक्ट बन जाता है, जो चंडीगढ़ है उसको भी डिजाइन किसने किया है? पूरी चंडीगढ़ को ली कार्बूजिए ने। चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट कह लीजिए, आर्किटेक्ट या फिर वास्तुकार, चंडीगढ़ का जो मैप है वो किसने तैयार किया था? वास्तुकार कौन थे? तो जवाब क्या होगा? ली कार्बूजिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पूरी चंडीगढ़ को डिजाइन किसने किया था? ली कार्बूजिए ने किया था। और विधानसभा भवन जो है चंडीगढ़ के अंदर स्थित है उसको भी डिजाइन किसने किया? ली कार्बूजिए ने। अब बात करते हैं, विधानसभा एक भवन है, एक सदन है, और विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? एमएलए, विधायक बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा विधानसभा में हरियाणा के हिस्से कितनी सीटें आई थी? तो देखिए, अब मैं बात करता हूँ किसकी, सीटों की बात करता हूँ। हरियाणा गठन के समय विधानसभा में, हरियाणा के विधानसभा में हरियाणा के हिस्से 54 विधायक आए थे। पंजाब की विधानसभा से अलग किया गया, जब हरियाणा का पंजाब से अलग करके गठन किया गया तो 54 विधायक हरियाणा के हिस्से में आए थे। हरियाणा गठन के समय विधानसभा के 54 सदस्य थे, 54 सदस्य थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा गठन के समय कितने सदस्य थे विधानसभा के? 54 सदस्य थे। और विधानसभा के सदस्य को क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं या फिर बोलते हैं एमएलए, इंग्लिश में बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने थे? 54 थे। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन शुरू में कितनी सीटें थी? 54। तो मैं बताता हूँ कौन से ईयर में सीटों को बढ़ाया गया और 90 कौन से साल में हुई थी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हरियाणा विधानसभा की सीटें, तो देखिए 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा में कितने विधायक थे, कितनी सीट थी? 54 सीट थी। और देखिए विधानसभा, हरियाणा विधानसभा के पहले चुनाव कब हुए? 1967 में हुए, और 1967 में सीटें कितनी कर दी गई? 81 कर दी गई। पहली हरियाणा विधानसभा के चुनाव, क्योंकि ये सदस्य पंजाब विधानसभा से आए थे कह लीजिए, लेकिन चुनाव कब होंगे? 1967 में। और कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 81 सीटों पर। और वर्तमान में 90 सीटें हैं, 90 सीटें कब की गई? 10 साल के बाद 1977 में। 1977 में कितनी सीटें कर दी गई? 90 सीटें कर दी गई। तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है
कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई थी, 1977 में। प्रारंभ में कितनी सीटें थी, 54, फिर एक साल बाद कितनी होगी, 81, और 1977 में कितनी होगी, 90। तो वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन 90 सीटों पर तो चुनाव होता है, लेकिन हरियाणा का राज्यपाल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय से, वो एक अलग बात है। तो 90 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है। तो ये था हरियाणा सीटों के बारे में। अब क्वेश्चन आता है बहुत बार कि हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन थी, सबसे अधिक बार कौन सी महिला विधायक बनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हरियाणा विधानसभा बनी थी इसमें 54 सदस्य थे, 54 विधायक थे, शुरू में कह लीजिए 1966 में। विधानसभा का जो हेड होता है उसे हम स्पीकर कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। तो हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, पहला स्पीकर कौन था, तो देखिए वो चर्चा करते हैं अब। एक नवंबर 1966 को जो 54 सदस्य थे, 54 सदस्यों की विधानसभा के अंदर 1966 में विधानसभा का पहला स्पीकर किसको बनाया गया था, सन्नू देवी को, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मुल्तान के अंदर। तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष, तो जवाब क्या होगा, सन्नू देवी। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष किसे बनाया गया, सन्नू देवी को बनाया गया। अब एक बात सुनिए, सन्नू देवी हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, इसके साथ साथ पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य की पहली महिला अध्यक्ष थी, किसकी, विधानसभा की। तो क्वेश्चन एक और बन जाता है, किसी भी राज्य की, पूरे भारत के अंदर किसी भी राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, तो जवाब क्या होगा, सन्नो देवी। और देखिए हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी और कौन थी, महिला थी ये, तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा जब पूरे देश के, तो हरियाणा की भी बनेगी, कह लीजिए हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये पहली अध्यक्ष होने के साथ साथ क्या थी, महिला थी, तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगी, सन्नो देवी। और देखिए एचएसएससी ने डायरेक्ट भी पूछ लिया, भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, एचएसएससी ने एक पेपर में ये भी पूछा था, भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, तो जवाब क्या होगा इसका भी, सन्नो देवी। तो दोस्तों सन्नो देवी के ऊपर इतने क्वेश्चन बनते हैं। जो 1 नवंबर 1966 को हमारी विधानसभा बनी थी, 54 सदस्य जिसमें थे, तो विधानसभा की हेड या स्पीकर किसे बनाया गया, सन्नो देवी को। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तमाम बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे विस्तार से, या बेसिक बातें बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कह लीजिए। हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। ये किसी भी राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी, सन्नो देवी। मैंने पूरा नाम नहीं लिखा बार बार, ऐसे सन्नो देवी कह लीजिए। और भारत की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी, सन्नो देवी। आप देखिए ये तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, और वैसे भी प्रथम अध्यक्ष थी कह लीजिए, लेकिन पुरुष अध्यक्ष कौन बना, हरियाणा, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष, क्योंकि ये तो महिला थी, स्पीकर अध्यक्ष कह लीजिए, तो आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह
जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। इसके ऊपर भी आज की क्लास में चर्चा होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखिए, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, राव वीरेंद्र सिंह, ये हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे। विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इनके बारे में, ये दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे, क्योंकि पहली तो सन्नो देवी थी। दूसरे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, स्पीकर कह लीजिए। और तीसरी खास बात ये है, अब तक हरियाणा में 14 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, 14 कह लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? राव वीरेंद्र सिंह का, सिर्फ 16 दिन। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, ये 7 मार्च 1967 को विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, और 23 मार्च 1967 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहेंगे, क्योंकि 24 मार्च को ये हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे, और प्रथम महिला और यह प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। सबसे कम समय तक राव वीरेंद्र सिंह विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, हरियाणा विधानसभा के। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? सबसे अधिक बार जो विधानसभा अध्यक्ष बने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका कार्यकाल तो सबसे छोटा है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल हरियाणा विधानसभा में वो कौन सा व्यक्ति था जिसका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो जवाब होगा इसका सरदार तारा सिंह। सरदार तारा सिंह सबसे कम समय तक रहे विधानसभा अध्यक्ष, राव वीरेंद्र सिंह, और सबसे अधिक समय तक कौन रहे? सरदार तारा सिंह। एक क्वेश्चन और आता है, सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो जवाब होगा हरमोहिंदर सिंह। टिक, बार, सबसे अधिक बार, 3 बार बने विधानसभा अध्यक्ष रहे। सबसे अधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो जवाब होगा इसका हरमोहिंदर सिंह चड्डा। हरमोहिंदर सिंह चड्डा, हरमोहिंदर सिंह चड्डा, ये सबसे अधिक बार, 3 बार हरियाणा विधानसभा के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। फिर इसके बाद कुछ बारी आती है किस चीज की, कि जो वर्तमान विधानसभा है, अब तक 14 चुनाव हो चुके हैं। 14वीं विधानसभा के चुनाव अक्टूबर 2019 में हुए थे, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? 14वीं विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है, वो कौन सी विधानसभा है? 14वीं विधानसभा है। 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष, तो इसका जवाब होगा ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता, और ज्ञानचंद गुप्ता एमएलए हैं कहाँ से? ये एमएलए हैं कहाँ से? पंचकुला से। ये भी पेपर में आता है, बहुत बार पूछा जाएगा फ्यूचर के एग्जाम के अंदर, कि हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर हैं, उनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है?
पंचकुला, यहाँ से क्या है ये एमएलए हैं। अब देखो ये बात कर रहा हूँ किसकी, 14वीं विधानसभा की। अब बात करते हैं किस चीज़ की, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है और देखो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे डाउट भी है कि हरियाणा की पहली महिला विधायक कौन बनी। बहुत सारे टीचरों ने क्या करवा रखा है, टीचर्स ने स्नेहलता करवा रखा है, जो कि गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या होगा, चंद्रावती, जो 1954 में क्या बन गई थी, एमएलए बन गई थी। लेकिन स्नेहलता कब बनेगी, 1967 में बनेगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, यही लिख रहता हूं मैं, हरियाणा की प्रथम महिला विधायक, पहली महिला कौन थी जो एमएलए बनी हरियाणा से, तो जवाब होगा इसका चंद्रावती। इसका जवाब क्या है, चंद्रावती। और चंद्रावती का जन्म कहाँ हुआ, चंद्रावती का जन्म 1928 में डालावास, और डालावास कहाँ पर है वर्तमान में, चरखी दादरी। तो हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन थी, चंद्रावती थी। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ, 1954 के अंदर उस समय हरियाणा बना नहीं था, लेकिन उस समय क्या होती थी, पंजाब विधानसभा होती थी। पंजाब विधानसभा के अंदर चंद्रावती क्या बनी थी, 1954 में विधायक बनी थी। 1954 में बाडड़ा सीट से, बाडड़ा आजकल कहाँ पर है, बाडड़ा यहाँ पर कहाँ पर है, चरखी दादरी, वर्तमान में चरखी दादरी में है। 1954 में बाडरा सीट से एमएलए बनी, विधायक बनी थी 1954 के अंदर। और फिर दूसरी बार ये विधायक बनी थी 1968 में, 1968 में दूसरी बार। अच्छा, 1968 में हरियाणा विधानसभा, उसमें मध्यावधि चुनाव हुए थे राष्ट्रपति शासन के बाद, 1968 में हरियाणा विधानसभा में चुनी गई थी। अब वो डाउट वाला क्वेश्चन लेते हैं, तो जब कभी आपसे पूछे पहली महिला एमएलए कौन थी, चंद्रावती, लेकिन सुनीलता आंसर नहीं होगा इसका, बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पर करवा भी रखा है, तो यहां लिखवा देता हूं नोट, स्नेहलता, स्नेहलता जो कहां से थी, हिसार से। स्नेहलता 1967 में एमएलए बनी थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनी बनी थी स्नेहलता 1967 में, हिसार से कह लीजिए। ये हिसार की पहली महिला एमएलए है। हरियाणा की पहली महिला एमएलए पूछे तो जवाब क्या होगा, चंद्रावती। चंद्रावती के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पेपर में पूछा गया हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन थी, तो जवाब क्या होगा, चंद्रावती, जिन्होंने बंसीलाल को पराजित कर दिया था 1977 में, जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव इन्होंने लड़ा था और लोकसभा की सदस्य चुनी गई थी चंद्रावती। एक और क्वेश्चन आता है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जो किसी भी राज्य की राज्यपाल रही, तो जवाब क्या होगा, चंद्रावती, ये पुदुचेरी की रही थी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। तो चंद्रावती के बारे में तमाम पहलू लिख देता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए यहां पर अगर आपसे पूछे हरियाणा की पहली एमएलए पूछे, तब भी जवाब चंद्रावती होगा। हरियाणा की प्रथम महिला सांसद, और सांसद का मतलब क्या है, एमपी, तो जवाब क्या होगा, चंद्रावती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चंद्रावती। 1977 में इन्होंने चुनाव लड़ा था जनता पार्टी की सीट पर और इन्होंने बंसीलाल को पराजित कर दिया था, 1977 की बात है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की प्रथम महिला वकील, एडवोकेट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डीयू से इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की थी, कानून की पढ़ाई कह लीजिए। हरियाणा की पहली महिला एडवोकेट भी कौन थी, चंद्रावती।
चंद्रावती। और सुनिए, एक और क्वेश्चन आता है। विधानसभा में जिस पार्टी का बहुमत आता है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, लेकिन जो दूसरी पार्टी होती है, दूसरी बड़ी पार्टी होती है, उस पार्टी का क्या होता है? एक नेता होता है जिसको बोलते हैं विपक्षी पार्टी का नेता, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो विपक्षी पार्टी का नेता बनने वाली पहली महिला कौन थी? चंद्रावती। हरियाणा की प्रथम महिला विपक्षी पार्टी नेता। विपक्षी पार्टी नेता, तब भी जवाब क्या होगा? चंद्रावती। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन जो एचएसएससी ने पूछा है, हरियाणा की पहली महिला राजनीतिज्ञ जो किसी भी राज्य की राज्यपाल रही, तो जवाब क्या होगा? चंद्रावती। तो देखिए, हरियाणा की प्रथम महिला राजनीतिज्ञ जो किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी, इसका भी जवाब क्या है? चंद्रावती है। और चंद्रावती राज्यपाल बनी थी कहाँ की? पुदुचेरी की। पुदुचेरी। अब आपको बता देता हूँ, एग्जामिनर ये बात तो लिख देता है, ऐसी स्टेटमेंट लिख देता है, एज इट इज मैंने क्वेश्चन लिखा है, लेकिन पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इनका क्या होता है? उपराज्यपाल ही होता है, कह लीजिए। तो ये पहली महिला राजनीतिज्ञ है जो किसी राज्य की क्या बनी? राज्यपाल बनी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार विधायक बनने वाली महिला कौन है, तो जवाब क्या होगा? हरियाणा में सबसे अधिक बार विधायक बनने वाली महिला कौन है, तो जवाब होगा इसका प्रसन्नो देवी। हरियाणा में सर्वाधिक बार विधायक बनने वाली महिला, सबसे अधिक बार एमएलए कौन बनी है, तो जवाब क्या होगा इसका? प्रसन्नो देवी। ये सबसे अधिक बार एमएलए बनी है, प्रसन्नो देवी। अब क्वेश्चन कुछ बेसिक और हैं हरियाणा विधानसभा के बारे में। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें? कुल 90 सीटें हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीटें आरक्षित है। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। वो थोड़ा सा और जान लेते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। देखिए, हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें 90 हैं, और देखिए हो सकती हैं कितनी, 91 हो सकती है, एक और बन सकती है, एक सदस्य और बनाया जा सकता है, एमएलए बनाया जा सकता है, लेकिन उसका चुनाव नहीं होता, उसको मनोनीत कर सकता है कौन? राज्यपाल। एंग्लो इंडियन समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से उसको एमएलए बनाया जा सकता है, लेकिन बनाएगा कौन? हरियाणा का राज्यपाल। तो 90+1 हो सकती है, ठीक है। देखिए, हरियाणा विधानसभा की जो वर्तमान में सीटें हैं, हरियाणा विधानसभा सीटें, कुल सीटें 90 हैं, और देखिए 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। पेपर में आ जाता है कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17। कौन सी जाति के लिए? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 17 सीटें हैं, और इसको क्या बोलते हैं? शेड्यूल कास्ट। और बचकी कितनी? 73 सीटें। 73 सीटें कैसी? ओपन है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, सामान्य वर्ग, सामान्य कह लीजिए। अब कुछ छोटी छोटी लेकिन बड़ी बातें पूछी जाती है पेपर में। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो इसका जवाब होगा लोहारू। और लोहारू कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। ये एरिया के अनुसार
सबसे बड़ी विधानसभा सीट है हरियाणा के अंदर लोहारू, और 14वीं विधानसभा के अंदर यहाँ से एमएलए कौन है, लोहारू से 14वीं विधानसभा में एमएलए हैं जेपी दलाल। जेपी दलाल, और जेपी दलाल वर्तमान में हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, किस पद पर हैं, कृषि एवं पशुपालन मंत्री। पशुपालन मंत्री पेपर में पूछ सकता है, आगे जो पेपर होंगे। जेपी दलाल का चुनाव क्षेत्र कौन सा है, लोहारू, क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। और कृषि पशुपालन मंत्री के अलावा ये कानून मंत्री भी है, कानून मंत्री। तो 14वीं विधानसभा के अंदर लोहारू से एमएलए कौन है, जेपी दलाल। अब देखो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये आप सब जानते हो, इसके बारे में विधानसभा के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा आपको। मैं इसके ऊपर 2 या 3 लेक्चर लूंगा, कौन से आर्टिकल में है, किस तरह से चुनाव होता है, विधेयक कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं, ये तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र, एरिया के अनुसार सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है, तो जवाब होगा इसका एरिया में कह लीजिए बलरामगढ़। बलरामगढ़, जिसे बल्लभगढ़ भी कहा जाता है, बल्लभगढ़। और ये कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद में है। और बलरामगढ़ या बल्लभगढ़, यहाँ से एमएलए कौन बने हैं, मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा यहाँ से एमएलए बने हैं, और मूलचंद शर्मा वर्तमान में हरियाणा सरकार के अंदर क्या है, परिवहन मंत्री हैं। मूलचंद शर्मा वर्तमान में क्या है, परिवहन मंत्री। एरिया के अनुसार सबसे बड़ी लोहारू, सबसे छोटी कौन सी है, बल्लभगढ़ या बलरामगढ़। लेकिन यह भी पूछा जाता है मतों के अनुसार, वोटरों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा, जिसमें वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो जवाब होगा बादशाहपुर, जो गुड़गांव के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है। तो देखिए मतदाता पेपर में आ सकता है, फ्यूचर में जो पेपर होंगे, मतदाता की संख्या के अनुसार, संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, तो वोट सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बादशाहपुर। बादशाहपुर, और बादशाहपुर कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। और बादशाहपुर से वर्तमान 14वीं विधानसभा में एमएलए कौन बने हैं, यहां से एमएलए हैं राकेश दौलताबाद। राकेश दौलताबाद। तो देखो कुछ मैं करंट के भी फैक्ट ले लेता हूं कि जो 14वीं विधानसभा हुई है, 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इसको यहां से हटा रहा हूं, मतदाता की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा, बादशाहपुर गुरुग्राम है, यहां से एमएलए कौन है, राकेश दौलताबाद। अब देखो कुछ फैक्ट मैं करंट के ले लेता हूं। अक्टूबर 2019 में हरियाणा की 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए, अक्टूबर 21 अक्टूबर 2019 14वीं विधानसभा चुनाव। मैं इसको थोड़ा सा करंट के साथ जोड़ रहा हूं, और देखिए इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में क्या रहेगा, 90 सीटें, 90 सीटों पर चुनाव हुए, और 90 में से 17 क्या रिजर्व है कह लीजिए, वो हमने नहीं पढ़नी। पार्टी चुनाव लड़ती है, सबसे अधिक सीट आएंगी, आई किसकी, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें आई, तो सबसे ज्यादा सीटें, लेकिन बहुमत नहीं है। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, 46 सीटें चाहिए, आधे से एक ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें, सबसे बड़ा दल है 14वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी। और दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी सीटें कितनी आई, 31। दूसरी बड़ी पार्टी कौन सी, कांग्रेस। और तीसरी बड़ी पार्टी है जेजेपी, और जेजेपी की कितनी सीटें आई, जेजेपी की 10 सीटें आई।
जेजेपी की 10 सीटें आई किसमें, 14वीं विधानसभा के अंदर। देखिए 21 अक्टूबर 2019 को 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए, 90 सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी की कितनी सीटें आई, 40, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कितनी आई, 31 सीटें। और जेजेपी की जो सीट आई, जननायक जनता पार्टी जो तीसरी बड़ी पार्टी थी, उसकी सीटें आई 10। इसके अलावा INLD इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी सीट आई 1। और हरियाणा लोक हित पार्टी गोपाल कांडा वाली, उसकी एक सीट आई। अब देखो 71, 81 और 2, 83। अन्य की कितनी सीटें आई, अन्य के खाते में 7 सीटें आई। ये है 14वीं विधानसभा का लेखा जोखा। और 14वीं विधानसभा में जो सरकार बनाएगी, बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार है, और जिसका नेता किसे चुना गया, मनोहर लाल खट्टर को चुना गया, संयुक्त विधायक दल का नेता कह लीजिए। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में क्या है, हरियाणा के मुख्यमंत्री। और जेजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला को क्या बनाया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये 14वीं विधानसभा का लेखा जोखा है। अब देखो कुछ फैक्ट और डिस्कस करते हैं। ऐसे पूछ लेता है, हरियाणा का सबसे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का सबसे पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। एक बार मैप के ऊपर लेकर जा रहा हूं आपको। देखिए हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला, और पंचकुला के अंदर कालका। तो सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है, कालका। हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, नू। और विधानसभा सीट कौन सी है, दक्षिणी, फिरोजपुर झिरका। हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है सिरसा, और सबसे पश्चिमी विधानसभा सीट कौन सी है, डबवाड़ी। और हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा, यमुनानगर। और सबसे पूर्वी सीट कौन सी है, जगाधरी। देखिए अब इनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो 14वीं विधानसभा और विधानसभा की सीटें, वो तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, या बेसिक बातें बता रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन तो ये भी पूछ लेता है, किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीट है, सबसे अधिक विधानसभा सीटें, सबसे अधिक विधानसभा सीटें कौन से जिले में। तो जवाब क्या होगा इसका, हिसार। और हिसार में कितनी सीट है विधानसभा की, 7 सीट है। और सबसे कम विधानसभा सीट कहां पर है, सबसे कम विधानसभा सीट, तो दो जिले हैं जहां सबसे कम विधानसभा सीटें, पंचकुला। पंचकुला में भी दो विधानसभा की सीट है, और एक है चरखी दादरी। चरखी दादरी में भी विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। तो ये सीटों की संख्या के अनुसार जिले बताए हैं मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है, हरियाणा का सबसे उत्तर में विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला, और सबसे उत्तर में क्या है, कालका। सबसे उत्तरी विधानसभा सीट, तो जवाब क्या होगा, कालका। और कालका कहां पर है, पंचकुला में। फिर सबसे दक्षिणी विधानसभा सीट फिरोजपुर झिरका, जो कहां पर है, नू के अंदर। सबसे दक्षिणी विधानसभा सीट या क्षेत्र, विधानसभा सीट, सबसे दक्षिण में विधानसभा की सीट कौन सी है, फिरोजपुर, फिरोजपुर झिरका, ये सबसे दक्षिण में है। सबसे पूर्व की विधानसभा सीट, सबसे पूर्व में कौन सी है, सबसे पूर्व में विधानसभा सीट। और देखिए आपको ज्योग्राफी पता होनी चाहिए हरियाणा की। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यमुनानगर, और वहां पर है जगाधरी। तो सबसे पूर्वी सीट कौन सी है,
जगाधरी, और सबसे पश्चिमी सीट, सबसे पश्चिमी सीट विधानसभा की सबसे पश्चिमी सीट कौन सी है? तो जवाब होगा इसका डब्बवाड़ी। तो ये था विधानसभा सीटों के बारे में। फिर देखिए, लगे हाथ जो मैंने लिखा है थोड़ा सा और जान लेते हैं। जब हम पूर्व पश्चिम पढ़ ही रहे हैं तो देखिए, ये तो मैंने सीटों के बारे में बताया, विधानसभा सीटों के बारे में। कई बार देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है, सबसे दक्षिण का जिला कौन सा है। तो देखो ये लिख दिया मैंने, ये है उत्तर, सबसे उत्तरी जिला। सबसे उत्तर का जिला अगर आपसे पूछे तो सबसे उत्तर में क्या है? पंचकुला। और सबसे उत्तर का गांव कौन सा है? पंचकुला के अंदर है गांव शाहपुर। हरियाणा के सबसे उत्तर में गांव कौन सा है? शाहपुर। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। अब बात करते हैं पूर्व की। हरियाणा के सबसे पूर्व में, हरियाणा के सबसे पूर्व में जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर। यमुनानगर सबसे पूर्वी जिला है यमुनानगर। और सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला। ताजेवाला जिस गांव में यमुना प्रवेश करती है, ताजेवाला कह लीजिए। सबसे पूर्वी गांव ताजेवाला, सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर। अब बात करते हैं किसकी? सबसे दक्षिण की। हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो जवाब क्या होगा? दो सबसे दक्षिणी जिला है नू। हरियाणा का सबसे दक्षिणी जिला, अगर आपसे जिले की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला है नू, जिसे पहले मेवात और सत्यमेवपुरम कहा जाता था। और सबसे दक्षिणी गांव है दोहा। अब बच गया कौन सा? पश्चिमी। हरियाणा के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? सिरसा, जो एरिया में सबसे बड़ा है, ये है पश्चिम। अब देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, अगर आपसे पश्चिमी जिला पूछे, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सिरसा। और सबसे पश्चिमी गांव पूछा जाए आपसे तो जवाब होगा चौटाला। चौटाला गांव हरियाणा के सबसे पश्चिम में है, और 14वीं विधानसभा में चौटाला गांव से 5 विधायक चुने गए हैं। चौटाला गांव से 5 विधायक, और 5 विधायक कौन कौन से इस गांव के हैं? दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला, इनकी माँ नैना चौटाला, इनके चाचा, दुष्यंत के चाचा अभय चौटाला। ये दोनों जीजीपी की सीट से चुने गए हैं। अभय चौटाला आईएनएलडी की सीट से जीते हैं, इलाहाबाद से, अभय चौटाला। और इसी गांव से संबंध है किसका? रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला जो निर्दलीय बने हैं। और इसी गांव से संबंध है जो कांग्रेस के बने हैं, अमित सिहाग। 14वीं विधानसभा में 5 एमएलए एक ही गांव से चुने गए हैं। कौन सा गांव है? चौटाला। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।